Dear students, in this module, we are going to talk about key sociological questions. These key sociological questions can help us to understand the subject matter of sociology. दूसरे लफ्जों में हम sociology के subject के अंदर किन किन चीज़ों से किन किन aspects से deal कर सकते हैं ये questions जो हैं हमें उन aspects को understand करने में help करेंगे

इनके हवाले से जो सोशल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स फिर डेवलप होते हैं जैसे फैमिली का इंस्टीट्यूशन कैसे पैदा होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किस तरह से वर्क कर रहा है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन कैसे वर्क कर रहा है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का जो है बाकी इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो है उसके क्या असरात हैं इन सब बिहेवियर्स को मैक्रो लेवल के ऊपर स्ट्रक्चरल लेवल के ऊपर इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर अंडरस्टैंड करना जो है ये सोशोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर में आता है एंड दैन हाउ डू सोशल नॉम्स वैल्यूज़ बिलीफ इन्फ्लुंस ह्यूमन एक्शन एंड इंट्रैक्शन जब हम नॉम्स वैल्यूज़ और बिलीफ सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे इर्द गिर्द के माहौल और हमारे इंसानी रवैयों को अंडरस्टैंड करने के लिए ये एक किस्म के माइक्रो यूनिट्स हैं जिनको पहले अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है जो हमारी नॉम्स हैं कि इंसान जो हैं एक दूसरे से किन रास्तों से गुज़र के किन रवैयों के ऊपर चल के जो है एक दूसरे के साथ तल्लत कायम करते हैं वो कौन से नो फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिनको वो फॉलो करते हैं वैल्यूज़ ये हैं कि माशरे के अंदर मौजूद जो भी चीज़ें हैं उनमें से किन चीज़ों को अहमियत दी जाती है किस चीज़ को कितनी अहमियत जा दी जाती है आ, जैसे वेल्थ है जैसे रिस्पेक्ट है जैसे स्टेटस है तो इनमें इनमें भी एक हेरकल स्ट्रक्चर होगा ये चाहे वेल्थ को ज़्यादा अहमियत दी जाती है या स्टेटस या रिस्पेक्ट को ज़्यादा अहमियत दी जाती है तो मुख्तु माशरों के अंदर उसके हवाले से या मुख्तफ सोशल ग्रुप्स के अंदर उसके हवाले से बड़ी वेरिएशन पाई जाती हैं तो इन सबका आपस में क्या ताल्लुक़ है और ये सारी चीज़ें मिल के इंसान के अमल और उसके इंट्रैक्शन को किस तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं फिर अगली चीज़ जो है वो बहुत इम्पॉटेंट है दैट हाउ डज़ पावर एंड इनकवालिटी ऑपरेट इन द सोसाइटी क्योंकि आज के माशरे में जब हम देखते हैं तो हमें थोड़ा बंग नॉन सोशोलॉजिस्ट भी हमें ये चीज़ जो है वो डिस्टर्बिंग लग रही होती है कि कैसे माशरे जो हैं वो इनक्वालिटी के ऊपर बेस कर रहे हैं एक किसी एक आदमी के पास अगर ताकत है या किसी एक स्टेटस के अंदर ताकत है तो उसका कैसे बेजा इस्तेमाल हो रहा है या उसका जायज़ इस्तेमाल भी अगर हो रहा है तो कहाँ कहाँ पे हमें ये महसूस हो रहा है कि पावर जो है वो अल्टीमेटली इनक्वालिटी को इनक्रीज़ कर रही है क्योंकि माशरों की बुनियादें जो हैं वो अखलाकियात के ऊपर होती हैं और अखलाकियात का तकाजा जो है वो जस्टिस होता है तो अगर जस्टिस परफॉर्म नहीं हो पा रहा इनॉवालिटी बढ़ रही है और पावर का जो है वो यूज़ या मिस हो रहा है तो ये सारी चीज़ें इन सारी एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करना भी जो है वो सोशोलॉजी की फील्ड में शामिल है देन वाट आर द काजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स हम सोशल uh, प्रॉब्लम्स की जब बात करते हैं सोशल ऐशूज़ की बात करते हैं तो टिपिकली पर्टिकुलरली स्पीकिंग आज का माशरा जो है वो सोशल प्रॉब्लम से भरा पड़ा है हम अपने इर्द गिर्द जब देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि शायद ये जो सोसाइटी है इसके अंदर मसाइल का इतना अंबार है जिनके सॉल्यूशंस जानना या जिनके सॉल्यूशंस तक पहुंचना शायद बहुत मुश्किल हो लेकिन जब हम सोशल साइंटिस्ट की बात करते हैं सोशियोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो सोशोलॉजिस्ट जो है वो अपनी सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन के ज़रिए साइंटिफिक मैथड को इस्तेमाल करके इन सोशल प्रॉब्लम्स को एट लीस्ट उनको प्रॉपरली डायग्नोस कर सकता है और डायग्नोस करके उनके बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस जो हैं वो प्रपोज कर सकता है आ,

Uh, हमारी ख्वाहिश है कि माशरे जो हैं, वो अमन अमान की सूरत हाल के अंदर रहें तो फिर वो सारे एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है जिनके ज़रिए सोशल ऑर्डर के अंदर डिसरपशन या इरपशनस पैदा होती हैं वाट आर द इम्प्लिकन्स ऑफ सोशल चेंज एंड सोशल मोमेंट्स फॉर सोसाइटी एंड इंडिविजुल माशरों के अंदर होने वाले सर्टन इवेंट्स जो हैं वो एक किस्म का डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करते हैं सोशल चेंज के आने में और ये डोमिनो इफेक्ट जो है दैट मे लीड टू अदर सोशल प्रॉब्लम्स और अदर सोशल अपॉर्चुनिटीज़ तो एक सोशोलॉजिस्ट जो है वो बड़ी बारीक बीनी से डिफरेंट सोशल मूवमेंट्स के ऊपर भी नज़र रखता है और वही देखता है कि इसके क्या पॉसिबल फ्यूचर में क्या पॉसिबल इम्प्लिकेशनस हो सकती हैं एंड हाउ कैन वो यूज़ सोशोलॉजिकल नॉलेज टू प्रमोट सोशल जस्टिस एंड सोशल चेंज सोशल चेंज जो है ये सोशोलॉजी uh, का एक इम्पॉटेंट पार्ट है uh, इंसान अपनी एग्जिस्टिंग कंडीशन या सिचुएशन से कभी भी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं रहता है और हम मुसलसल इसके अंदर जो है इम्प्रूवमेंट की कोशिश करते रहते हैं तो इसी कोशिश के नतीजे में हम अपनी नेचुरल वर्ल्ड के अंदर जैसे हम देखते हैं कि नेचुरल साइंसेस ने इसी प्रोसेस से गुजर के हमारी आज की ज़िंदगी के अंदर बहुत सी इम्प्रूवमेंट लेके आई चाहे वो मेडिसिन की फील्ड हो चाहे इंजीनियरिंग की फील्ड हो हम कंटीन्यूसली जो है इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस से जो है वो गुजरने की कोशिश करते हैं तो यही कोशिश जो है वो हम सोसाइटी में भी करते रहते हैं हम देखते हैं कि इंसान अपनी एग्जिस्टिंग सोशल कंडीशन सेटिसफाई नहीं होता बल्कि वो हमेशा उसको इम्प्रूव करने की कोशिश में लगा रहता है उस इम्प्रूवमेंट की कोशिश के नतीजे में बाजूत जो है वो नेगेटिव सोशल चेंज भी पैदा हो जाती है और बाज़त पॉजिटिव सोशल चेंज तो सोशल जस्टिस और सोशल चेंज जो हैं इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और सोशियोलॉजी के डोमेन के अंदर या सोशियोलॉजी के दायरा कार के अंदर ये भी आता है कि कैसे डिफरेंट इवेंट्स जो हैं वो सोशल चेंज और सोशल जस्टिस को की तरफ लीड करते हैं फ़ाइनली हम अगर देखें कि पाकिस्तान में से एग्ज़ाम्पल लें इट्स एन इट्स अगेन इट्स इट्स अ फूड फॉर थॉट फॉर यू टू एग्ज़ामिन फॉर एग्ज़ाम्पल द रोल ऑफ रिलीजन कास्ट क्लास एथनीसिटी इन शेपिंग द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड इनक्वालिटी यानी हर जो आइडियालॉजी uh, होती है उसके अंदर लामोला कहीं ना कहीं इनटी और स्ट्रैटिफिकेसन का प्रोसेस होता है जैसे हम एथनीसिटी की बात करें तो एथनीसिटी में टिपिकली हम ये देखते हैं कि हम अपनी ही पैदा जिस एथनीसिटी में हम पैदा हुए होते हैं हम उसमें ही प्राइड फील कर रहे होते हैं कि हाँ आई एम प्रा आई एम प्राउड ऑफ बींग बोर्न इन दैट टिपिकल एथनीसिटी और उसी के नतीजे में फिर ये होता है कि हम बाकी एथनीसिटी से जो है वो हेट करना शुरू कर देते हैं तो अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करके इसको डीकंस्ट्रक्ट करें तो ये भी रेसिज्म की ही एक फॉर्म है कि हम अपने पैदाइश की बुनियाद के ऊपर जो है अपनी स्पेरियॉरिटी या तय कर रहे होते हैं और दूसरों को जो है वो हम इन्फीरियर समझ रहे होते हैं तो टिपिकली स्पीकिंग दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट की क्वेश्चंस विच आर द फाउंडेशन ऑफ द सोशियोलॉजिकल नॉलेज